हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोनम शर्मा फ्रॉम माइंड हिप्नोटिज्म चैनल लुधियाना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि क्लीम की दीक्षा ले या ना ले। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम लोग क्लीम करना तो चाहते हैं लेकिन इसके रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे टेलीफोन आते हैं कि मैडम क्लीम की दीक्षा लेनी जरूरी है। और फिर जब क्लीम की दीक्षा लेनी जरूरी है तो वो गुरु कैसा होगा जो दीक्षा के लिए भगवान का नाम जपने के लिए, भगवान का नाम देने के लिए पैसे ले रहे हैं हमसे। तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके ठीक भी हैं, लेकिन उस क्वेश्चंस के आंसर ही देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बना रही हूँ कि क्लीम की दीक्षा ले या ना ले। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐड के लिए या कुछ और करने के लिए नहीं बताऊंगी, एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। अगर फ्रेंड्स आप लोग क्लीम करना चाहते हैं तो पहली बात तो क्वेश्चन से मुक्त हो जाइए। जितने प्रश्न आ रहे हैं आपके दिल दिमाग में उससे मुक्त हो जाइए। ये बिल्कुल बात सही है कि भगवान नहीं कहते कि मेरा नाम लेने के लिए कुछ दो मुझे, क्योंकि भगवान तो खुद हमें देते हैं, वो हमसे क्या लेंगे। हम तो खुद भगवान से मांग रहे हैं, हे भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर दे, हे भगवान हमारा ये काम कर दे। तो दीक्षा लेने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो आपको दीक्षा देता है उसके कुछ एफर्ट्स लगते हैं, कुछ एनर्जी लगती है, जिसके लिए वो आपसे एक पर्टिकुलर कॉस्ट लेता है। दीक्षा सब जो भी देते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड जो भी गुरु देते हैं, उन्हें मैं गुरु ही बोलूंगी क्योंकि वो आपको एक दीक्षा दे रहा है। एक नाम शब्द ही कहा जाता है, जब हम एक संगत में बैठते हैं, नाम शब्द लेते हैं, तो वो एक गुरु का नाम ही आ जाता है। जो गुरु हमें देता है भगवान का नाम जपने के लिए, उसे हम सिमरन कहते हैं, उसे हम मेडिटेशन कहते हैं। एक वर्ड हमें मिल जाता है जो कि एक सिद्ध किया हुआ है। हमें पता नहीं चलता हम कौन से मंत्रों का जप करें, कौन सा मेडिटेशन ऐसा करें जिसमें हमारी सुनवाई हो, कंफ्यूजन रहती है। तो एक गुरु आपको एक वर्ड दे देता है, एक वर्ड लाइक दीक्षा, एक क्लीम। तो फ्रेंड्स, अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको दीक्षा लेनी है या नहीं लेनी है। दीक्षा आपको वही दे सकता है जिसने खुद 2 लाख से या 2.5 लाख से ऊपर क्लीम की चैंटिंग की हो, जिसने मेडिटेशन किया हो, जिसने क्लीम को अपने अंदर समाया हो, वो आपको क्लीम की दीक्षा दे सकता है। जैसे कि अगर मेरे पास ये पेन है और आपको ये पेन की रिक्वायरमेंट है, मैं आपको तभी दे सकती हूँ। अगर मेरे पास पेन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं ऐसा जो आपको चाहिए, वो मैं कैसे दे सकती हूँ। सबसे पहले जिससे आप दीक्षा ले रहे हैं, आपको उसे खुद मतलब एक एनालाइज करना होगा, या आपको अपने मन की आवाज सुननी होगी। ये भगवान का वर्ड है, ये आवाज आपको अपने दिल से ही मिलेगी। आपको दीक्षा लेनी है या आपको दीक्षा नहीं लेनी है, इट्स सिंपल। दीक्षा लेने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि अगर आप दीक्षा नहीं लेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान का नाम है, आप अपने भगवान को अपने मन में रख के याद कीजिए, और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन उन्हें याद कीजिए, सिर्फ याद, क्योंकि आपकी इच्छाएं तो आपके मन में दबी हुई है, वो तो पूरी होनी ही होनी है। जब आप भगवान को ही पालोगे तो उसने आपको बिना मांगे ही, सिर्फ आप सोचोगे और विश पूरी, सोचोगे और विश पूरी, ऐसे बन जाओगे। तो अपनी 1, 2, 5, 10 विश लेकर उनके पास जाने का क्या फायदा। आप दीक्षा नहीं लेना चाहते, मत लीजिए। दीक्षा लेना चाहते हैं, बहुत अच्छे से लीजिए, उसका क्लीम को उच्चारण कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो लोग कैपेबल नहीं है, वो दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बस इतनी जोर जबरदस्ती जरूर मैं कहूंगी कि आप दिल से कीजिए, मन से कीजिए, पूरे विश्वास से कीजिए। आप में वो सारी क्वालिटीज हैं, आप बिना दीक्षा के भी क्लीम को चैंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मुझे सुनने के लिए।